नगरपालिका के सिवुट क्षेत्र में भाजपा के पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस एवं संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त विद्यमान से आयोजित सिवुट प्रीमियर लीग 2022 सीजन 6 क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ भाजपा के थाने लोकसभा के पूर्व सांसद संजीव नाइक जी के प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। आमचे सहकारी विशालजी दिवस त्यांच्या सर्व सहकार्याच्या माध्यमातून एक सुंदर स्पर्धा या ठिकाणी आज प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपल्याला बघा विशालच्या माध्यमातून ते आरोग्य असेल, मग ते खेळ असेल, मग त्या ठिकाणी त्यांनी उत्सव फेस्टिवल ठेवला होता। प्रत्येक गोष्टीमध्ये विशालने आपल्या कर्तव्याची पूर्ण पराक्रम मिक्स करून आज मला आनंद आहे। या ठिकाणी एक चांगला सहकारी आमचा सर्व खेळाडूंना चांगल्या वातावरणामध्ये पार पडतील आणि सर्वांनाच याचा आनंद होईल। इस वक्त हम हैं नवी मुंबई क्षेत्र अंतर्गत सिवुट्स में, जहां पे डीएवी स्कूल के ग्राउंड पर एसएसपीएल सिवुट्स सेक्टर प्रीमियर लीग का आयोजन बीजेपी के पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस जी द्वारा किया गया है। तो आइए हम विशाल डोलस जी से जानते हैं कि इस बार उन्होंने इस मैच में, इस लीग में, प्रीमियर लीग में क्या नया और क्या विशेष किया है। एसएसपीएल में आपने इस बार क्या नया, क्या विशेष आयोजन किया है? हर साल तो नया नया कुछ करते ही है। इस साल हम देख रहे हैं कि हम लोग सिवुट्स फेस्टिवल में एसएसपीएल को हम लोग ने मर्ज किया हुआ है। और जैसे कि पहले ये टूर्नामेंट जो था वो पहले इंडिविजुअल होता था, बट अभी वो पूरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एक हिस्सा है। जो नवी मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उसका एक हिस्सा करके आज एसएसपीएल बन चुका है। तो इसमें नयापन ये है कि हर साल नए प्लेयर्स नए टीम से जुड़ते हैं, नया कुछ होता है। यहाँ आज भी हमने जो इसका जो शुरुआत किया है, जो ओपनिंग सेरेमनी किया है, वो अलग अनोखे तरीके से हमने किया है। यहाँ पर जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, टेनिस क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उनको हमने यहाँ पर इस ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया था। उनके माध्यम से, उनके उपस्थिति में ही इस पूरे आयोजन का हमने उद्घाटन किया। उनका मार्गदर्शन जो प्लेयर्स है यहाँ के, उनको मिला। एक अनोखे तरीके से हमने इस वक्त एसएसपीएल की शुरुआत की है। तो सर, जैसे सबको पता है कि आईपीएल का फीवर भी, अभी सीज़न चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो कहीं एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आईपीएल और एसएसपीएल में एक क्लैश है, जैसे जर्सी और केजीएफ में होने वाला है वैसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईपीएल जो है एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और एसएसपीएल जो है वो नवी मुंबई के एक सिवुट्स विभाग की एक टूर्नामेंट है। आईपीएल की टूर्नामेंट से प्रेरित होके ही उसमें से कुछ अंश और उसमें से बहुत सारी चीज़ें लेकर ही ये टूर्नामेंट बनाया हुआ है। खुद का भी कुछ एडिशन है उसमें, तो कुछ अच्छी चीज़ है। उसको हमेशा लोग फॉलो करते हैं, हमने भी उसको फॉलो किया है और एक हमारे तरीके से जितना हो सके इसको हम एक हर साल नए ग्लैमर देने का कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है इस साल का जो आयोजन है वो इसके पहले जितने भी साल हुए हैं इससे सबसे बेहतरीन आयोजन अभी तक का है 6 सालों में, हम ये कह सकते हैं। सर, लास्ट आप अपने ऑडियंस जो एसएसपीएल में इंटरेस्टेड है, जो देख रहे हैं और जो देखना चाहेंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को या फिर यहाँ की आप कह सकते हैं जो विभाग में जो युवक है और यहाँ के जो लोग हैं, मैं उनको
कुछ मार्गदर्शन नहीं करूँगा, बट ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह का तरीके इस जो जिस तरह का आयोजन सिवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि आईपीएल के धरती पे हम लोग ने ये किया, वैसे ही एसएसपीएल का सक्सेसफुली आयोजन होने के बाद में भी लोगों ने इसका भी इससे भी प्रेरित होकर अलग अलग तरीके का लीग्स यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एक हम कह सकते हैं एक अच्छा प्रतीक है। और जहाँ तक इसको फॉलो किया जाएगा, जैसे जैसे और लीग्स यहाँ पर बढ़ेंगे, क्रिकेट भी बढ़ेगा, उसका स्वरूप बदलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए लोगों को मिलेगा, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स लोगों को मिलेगा, अनेक तरीके की टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का लोगों को मौका मिलेगा। तो एक तरीके से एक हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है उसको लोग फॉलो करते हैं, और अगर इसको फॉलो किया किसी ने तो ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो जैसे कि विशाल डोलस जी ने बताया कि एसएसपीएल से प्रेरित होकर भी बहुत सारी ऐसी यहाँ पे प्रीमियर लीग्स हो रही है, जो कि अच्छी बात है, स्पोर्ट्स को एक नई राह मिल रही है, नवी मुंबईकरों को भी, एक सिवुड्स के वासियों को भी एक नया राह मिल रहा है स्पोर्ट्स की तरफ जाने का। और हम भी यही आशा करते हैं कि एसएसपीएल के थ्रू और कई सारे लोग इससे प्रेरित हो, आगे ऐसे ही लीग्स मैचेस होती रहे और लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहे। धन्यवाद। आणि क्रिकेटचा बॅस्केट पाहिला तर लिजेंडरी क्रिकेटर ऑन द डायस।